नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। साइंस का देखिए 40-40 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न है अपकमिंग एग्जामिनेशन एनटीपीसी ग्रुप डी जो आगामी 2020 में है। संभावित प्रश्न निकला है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम से देखने मिलेंगे। देखिए इसका 13वां भाग है। इसके पहले का सभी पार्ट वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, वो वहाँ से देख लीजिएगा। और इस 40 प्रश्नों को लगा के आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की कुल संख्या कितनी है, द टोटल नंबर ऑफ मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जी बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें तो टोटल है देखिए 91, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया। जी बिल्कुल सही, ये होती है आपकी 46% के आसपास, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस के रूप में भी जाना जाने वाला गैस कौन सा है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, मीथेन, जिसको हम CH4 से डिनोट करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। जी बिल्कुल सही, ये है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट हो जाएगा इसका। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज। जी बिल्कुल सही, ये है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके पहले के सभी पार्ट, जितने भी पार्ट हैं, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो दोनों सुबह वाली क्लास और शाम वाली क्लास का प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, LPG के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मेन कंपोनेंट क्या है इसके। जी हाँ बिल्कुल सही, ये है आपका मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। सातवां क्वेश्चन देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को इस रूप में भी जाना जाता है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी, पायरीन करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जली घोल को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको देखिए फॉर्मलिन बोलते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला वाली आग बुझाने वाला यंत्र क्या है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, पायरीन बुझाने वाला यंत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सा है, गैस इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजडी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें एंड वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लगातार हम देखिए वीडियो आप कब तक पहुंचा रहे हैं, लगातार मेहनत लग रही है। और अगर आप नए हैं चैनल पर, अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन होगा दोस्तों, इसको जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए, फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो इसे कहते देखिए एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहते हैं। जी बिल्कुल सही, ये है आपका देखिए अर्थवॉर्म, केचुआ, जिसको हम क्या करते हैं फ्रेंड, फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। जी बिल्कुल सही, ये संबंधित है आपका इटाई से, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन द बल्ब। जी बिल्कुल सही, ये है आपका आर्गन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। जी बिल्कुल सही, ये किया जाता है देखिए एथिलीन का, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। 16वां क्वेश्चन देखिए, KMnO4 को किस रूप में जानते हैं हम। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए संक्रमण नाशक, ऑप्शन नंबर देखिए सी से हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं।
जी बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण से। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए, रॉक सॉल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज युक्त होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, सोडियम युक्त होता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ या ड्राई आइस दोस्तों हम किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्राई आइस और ड्राई? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर देखिए इसका सही हो जाएगा ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 21वां क्वेश्चन देखिए, जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है? जी बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें तो ये है देखिए फार्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, पेट में भोजन के अपापचन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल सही, ये करते हैं देखिए ऑप्शन नंबर ए, अम्लनाशक का, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 23वां देखिए, साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है आपको बताना है? जी बिल्कुल सही, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, माचिस की तीली को रगड़ने के लिए डिब्बी पर बनी भूरी सतह शीशे के चूर्ण तथा लाल डैश से बनी होती है और किसका इस्तेमाल करते हैं? द ब्राउन सरफेस ऑन द बॉक्स इज मेड ऑफ ग्लास पावर एंड रेड डैश टू रब द मैच स्टिक। जी बिल्कुल सही, लाल फास्फोरस की बनी होती है तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा इसके लिए। 25वां क्वेश्चन देखिए, डैश से बने हुए वस्त्रों में जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है, किससे? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर से, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन के लिए उत्पन्न होती है? जी बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। 37वां क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? जी बिल्कुल सही, यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल इज द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस? जी बिल्कुल सही, ये है आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, डैश की अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए लाइकेन, ऑप्शन नंबर देखिए बी से हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है और किस चीज़ से? जी बिल्कुल सही, ये जानते हैं हम सीसा विषाक्तता से, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी हिंदी का ऑफिशियल टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक मैंने दिया है, या फिर टेलीग्राम पे @studyhindi सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे जितने भी वीडियो आएंगे दोस्तों आपको उसका पीडीएफ उस चैनल पे लगातार मिलता रहेगा, और उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट नोट्स मटेरियल सेंड होते रहते हैं तो आप उसको सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे है। 31वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट बिकॉज द ट्री लीव्स, क्या छोड़ता है? जी बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 32वां क्वेश्चन देखिए, केचुआ खाद्य क्या है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक उर्वरक इज द राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? जी बिल्कुल सही, ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया? जी बिल्कुल सही, यह किया गया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए, थ्रोम्बिक किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें, देखिए खून का जमना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
36वां क्वेश्चन देखिए, रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन? जी बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, विटामिन के इज द राइट आंसर। 37वां में देखिए, पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका यकृत लीवर को अफेक्ट करता है, बी से हो जाएगा। 38वां देखिए, मेंडलीप ने शुरू में नामित अन्य तत्वों के गुण का अध्ययन करने के लिए दो तत्वों का चयन किया, वो कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल सही, ये है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर देखिए बी से हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखिए, हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था किस आधार पर? जी बिल्कुल सही है, उनका परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर देखिए डी से हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं का कुल संख्या कितना है? जी बिल्कुल सही, ये है टोटल आपका 18, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 40 प्रश्न पूरे कराए, आप बताइए कि 40 क्वेश्चन में दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लगातार मेहनत से हम आप तक वीडियो पहुँचा रहे हैं, आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो रोज चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, आपको डेली शाम के 6 बजे ये वीडियो मिलेगी और मॉर्निंग में भी आपको टेस्ट मिल रहा है शाम के 6 बजे, 6 एंड 6 याद रखें।